सह मीडिया प्रभारी सर्वे जी की उपस्थिति में सीधे भी आपसे चर्चा करेंगे, फिर सवाल जवाब का सिलसिला प्रारंभ होगा। आदरणीय पीयूष गोयल जी, ये लेना है कि नहीं लेना है? मित्रों, आज इंदौर में मेरा आगमन मुंबई से हुआ है और इंदौर को भी कई लोग मिनी मुंबई के नाम से पहचानते हैं। एजुकेशन हब है, शायद पहला शहर है जहां आईआईटी भी है, आईआईएम भी है, आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि स्वच्छता में सबसे ऊपर है पूरे देश में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली, जिसको हम तीर्थ स्थान बनाने जा रहे हैं, मऊ में इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ती है, तो एक प्रकार से मध्य प्रदेश के मेरे चुनावी कार्यक्रम का शुरुआत इंदौर से हो, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज हम रानी लक्ष्मीबाई का जन्मतिथि मना रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं उनका। और वास्तव में इस पवित्र भूमि में उन्होंने अपने जीवन का त्याग दिया और हम सबको प्रेरणा दी कि न्याय और अस्मिता की लड़ाई में हम सबका योगदान क्या होगा, हम सब कैसे देश के लिए जिए और कैसे देश के लिए मरने के लिए भी तैयार हैं। और मैं समझता हूं यही विरासत आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी की सरकार, दोनों एक डबल इंजन के नाते मध्य प्रदेश में तेज गति से विकास दे रहे हैं। मैं रेल मंत्री होने के नाते हर एक चीज को रेलवे की नजर से देखने की आदत पड़ गई है, और जब हमें कोई चीज सुरक्षित बनानी हो, गति तेज देनी हो, तो उसमें हम डबल इंजन लगा के रेलगाड़ी को चलाते हैं। वो लंबे रेस की रेलगाड़ी बनती है, बहुत दूर दूर तक जा सकती है। और ऐसे ही शिवराज जी की सरकार केंद्र के साथ कंधे से कंधा मिला के विकास कर रही है। और मैं समझता हूं जो 55 वर्ष के कांग्रेस शासन में मध्य प्रदेश ने विनाश देखा था, मध्य प्रदेश ने जो विपत्तियां देखी थी, मध्य प्रदेश ने जो वंशवाद देखा था, उसके खिलाफ शिवराज सिंह चौहान जी के विकास की आज पूरे देश और दुनिया में सराहना हो रही है। मैं कुछ आंकड़े यहां पहुंचने पे देख रहा था, हर क्षेत्र में जिस प्रकार से तेज गति से विकास गत वर्षों में हुआ है, एक बीमारू राज्य जो कांग्रेस छोड़ के गई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे तेज गति से जनता की समृद्धि में पूरा अपना कार्यकाल लगा दिया, ये आंकड़ों से स्पष्ट जाहिर होता है। मैंने बिजली का विभाग संभाला, पहले कहा 2900 मेगावाट मध्य प्रदेश में 2003 में उत्पादन होता था, कहा आज 18,000 से अधिक बिजली मध्य प्रदेश में लगती है। हमने एलईडी की योजना शुरू की थी, मध्य प्रदेश ने उसको अपनाया, लगभग 1 करोड़ 68 लाख बहुत ही सस्ते दरों पे एलईडी बल्ब्स सरकार ने दिए, उसके कारण निजी क्षेत्र की भी कीमतें एकदम घटी, लगभग 75-80-85% कीमतें घटी,
और सभी को अपने बिजली के बिलों में बहुत राहत मिली। सिंचाई के जब क्षेत्र देखते हैं कि हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए, तो कहां 7.5 लाख हेक्टेयर पे एक सिंचाई होती थी, 15 वर्ष बाद आज 40 लाख हेक्टेयर पे सिंचाई होती। और अन्य अन्य जितनी योजनाएं देखें इसी प्रकार से, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब हो, शोषित वंचित परिवार हो, युवा हो, महिलाएं हो, उद्यमी हो, हर क्षेत्र की चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने गत वर्षों में मध्य प्रदेश में की है। मैं खास तौर पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रति। इतने कम समय में 14 लाख आवास एक ही राज्य में गरीबों को मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी प्रकार से किसानों के ऋण के विषय में तो मैं हैरान हो गया देख के कि शिवराज जी ने कैसे इसको एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के रूप में योजना बनाई। ऋण मुक्त, बिना ब्याज के किसानों को ऋण लोन मिलना, ब्याज मुक्त लोन मिलना, और अगर आप समय पे दो तो उसका 10% आपको छूट। ये तो शायद मैं पहली बार ही किधर सुन रहा हूं कि इस प्रकार से प्रोत्साहित किया किसानों को कि उनको सुविधा भी हो, उनको प्रोत्साहन भी हो कि ऋण वापस देना है, और साथ ही साथ उनकी आमदनी भी बढ़ने का साधन इस सब्सिडी के माध्यम से बनाया। मैं रेलवे के भी कुछ आंकड़े आपके समक्ष रखना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी तब बहुत ही कम पैसा रेलवे की सुविधाएं सुधारने के लिए, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मध्य प्रदेश को मिलता था। 2009 से 14 के बीच औसतम हर वर्ष 632 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश को मिलते थे, यानी 5 साल में लगभग 3,200 करोड़ रुपए पूरे मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य में, इतना बड़ा राज्य है, सिर्फ 3,200 करोड़ रुपए 5 वर्ष में मध्य प्रदेश में लगाए गए। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कमान संभाली और भाजपा की सरकार केंद्र में भी आई और राज्य में भी शिवराज जी की सरकार थी, तब डबल इंजन का इफेक्ट देखिए कि रेलवे में 2014 से 19 के बीच लगभग 33,000 करोड़ रुपए यहां पे, मुझे माफ करिएगा, 21,000 करोड़ रुपए 5 वर्षों में मध्य प्रदेश में लगे, जो लगभग 6 गुना बढ़ोतरी है, 3,200 से लगभग 21,000 करोड़ रुपए। मैं जो आंकड़ा पहले दे रहा था वो जो आखिरी वर्ष है 2018-19, उसमें अकेले में 6,350 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में लगने जा रहे हैं आखिरी वर्ष में, 6,350 करोड़ रुपए, लगभग 63,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में अब लग रहे हैं। और हबीबगंज में, भोपाल में देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन थोड़े ही महीनों में तैयार हो जाएगा, जो एक पूरे देश में हर राज्य की राजधानी में इसी प्रकार के स्टेशन बनाने का पहला उदाहरण बनेगा। और कोई क्षेत्र ले लीजिए, नई लाइनें, 8 गुना नई लाइनें बनती हैं हर वर्ष मोदी जी की सरकार में रेलवे में, डबलिंग 6 गुना हो गया है कांग्रेस सरकार और मोदी जी की सरकार के बीच में, गेज कन्वर्जन 8 गुना हो गया। और ये सब तभी संभव है जब राज्य सरकार की पूरी सहायता मदद मिलती है, चाहे वो जमीन अधिग्रहण हो, चाहे अन्य अन्य प्रकार से सुविधाएं राज्य सरकार से लगती हैं। इन सबको देखते हुए मैं समझता हूं विकास की जो लहर
मध्य प्रदेश में गूंजी है, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बड़े विस्तार से किया, इसको देखते हुए जो आज शिवराज जी 200 पार के नारा लेके आज जनता के बीच उतरे हैं, जनता आशीर्वाद देगी भाजपा को, जनता आशीर्वाद देगी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को, और कांग्रेस का जो सही चेहरा है, जो चेहरा हमने देखा जब एक अध्यक्ष कहता है कि कोई भ्रष्ट हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, हम उनको सीट देने के लिए तैयार हैं, जो करप्शन का चेहरा हमने यहां देखा, जब एक नेता कहता है माइनॉरिटी वोट को लेने के लिए अलग अलग प्रकार से टिप्पणियां करता है और कॉम्युनलिज्म को प्रोत्साहन करता है, या कोई कहता है कि मैं हम आरएसएस को यहां पे बैन कर देंगे, किसी को आरएसएस की शाखा में जाने नहीं देंगे, जिस प्रकार से जातिवाद, भ्रष्टाचार और कम्युनलिज्म को कांग्रेस चुनाव में पेश कर रही है, अपना असली चेहरा पेश कर रही है, मैं समझता हूं उसका सही जवाब मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को देने जा रही है, जिस पार्टी में वंशवाद इतना ज्यादा रहा कि आज भी आप देखें तो जो नाम सामने आते हैं वो सब वंशवाद से प्रेरित नाम आते हैं कांग्रेस के। कल उनके एक उच्च नेता का बयान मैं पेपर में पढ़ रहा था कि बहुत सारे गैर गांधी नेहरू परिवार के अध्यक्ष कांग्रेस में बने हैं। मैंने जानकारी निकाली, पिछले 40 वर्षों में सिर्फ 7 वर्ष गैर गांधी नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बना है, सिर्फ 7 वर्ष पिछले 40 वर्षों में। यह अलग बात है कि उनके अध्यक्षों के साथ कैसा व्यवहार किया गया कांग्रेस द्वारा, कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की देहांत के बाद उनके पार्थिव शरीर को कार्यालय तक लेके जाने नहीं दिया, एक अध्यक्ष को तो बाथरूम में लॉक करके निकाला गया। इस प्रकार की पार्टी और उसके नेता, मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में विकास के बदले वंशवाद, भ्रष्टाचार और प्रदेश को फिर एक बार पीछे ढकलाने का काम, पीछे करने का काम करेगी। ऐसी कांग्रेस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब इंदौर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता शत प्रतिशत देके शिवराज जी को फिर एक बार पूर्ण बहुमत, 2/3 बहुमत और अब तो 200 सीट पार करके जिताएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। समृद्धि का प्रदेश मध्य प्रदेश, ये आश्वस्त करने के लिए मैं आज इंदौर आया हूं और आगे आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश एक फिर एक बार अच्छी सरकार, एक अच्छा नेता जो जन जन के दिल में बैठा है, समाज के हर वर्ग की चिंता करता है, जो हर मां का भाई है, हर बच्चे का मामा है, अपने आप में एक किसान है और गरीब जनता के प्रेरणा का स्रोत्र है, ऐसे नेता को चुनके शिवराज चौहान को फिर एक बार मुख्यमंत्री बनाने की बीड़ा उठाई है मध्य प्रदेश की जनता ने। मैं उनका आह्वान करता हूं सभी मध्य प्रदेश की जनता का कि भारी मात्रा में वोट डालने निकले, भारतीय जनता पार्टी के कमल पे बटन दबाएं और बीजेपी को 200 सीट से अधिक से जिताकर मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमें आशीर्वाद दें।
बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल जवाब प्रारंभ करेंगे जी, प्लीज। सर आप आर्थिक मामलों के जानकार हैं और इस वक्त देश में बहुत बड़ी बैठक चल रही है, बैठक आरबीआई बोर्ड की बैठक चल रही है। राहुल गांधी का ये आरोप है कि संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर रही है मोदी सरकार, इस पूरे सर मसले में आपका रिएक्शन चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी थोड़ा इतिहास भी देख लें और अपनी पार्टी और अपने परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। किस प्रकार से कांग्रेस ने इस देश की लगभग हर संवैधानिक संस्था का इंसल्ट किया है, कैसे उन्होंने आरबीआई गवर्नर्स को पहले निकाला है, कैसे उन्होंने इलेक्शन कमीशन की हो, जुडिशरी हो, हर संस्था के साथ जिस प्रकार का सलूक किया है, उनको पहले उस इतिहास को देख लेना चाहिए। उसके निस्बत हमने हर सरकार का सम्मान, हर ऐसी संवैधानिक संस्था का सम्मान किया है। और जहां तक रही आरबीआई की बात, आरबीआई की मीटिंग चल रही है, बोर्ड मीटिंग है, समय समय पे बोर्ड मीटिंग होती रहती है, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनको उसमें क्या तकलीफ आ रही है। बोर्ड अपनी चर्चा करेगी और जो भी फैसलों पे पहुंचेगी वो बोर्ड का पूरा अधिकार है। शायद राहुल गांधी जी कॉरपोरेट गवर्नेंस और कॉरपोरेट बोर्ड्स कम समझते होंगे, तो बाकी लोग उनको उसकी जानकारियां दे दे तो अच्छा रहेगा। सर आपके आशावादी हैं कि इस बैठक का हल निकलेगा और जो एक तनाव की जो स्थिति दिखाई दे रही है वो खत्म होगी सरकार कार्यकाल? हमें तो कोई तनाव नहीं दिख रहा है, वो आप लोग को दिख रहा है और राहुल गांधी जी को दिख रहा है। तो एक रूटीन बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग में अलग अलग विषयों पे सार्थक चर्चा होगी और मैं समझता हूँ चर्चा नहीं करें वो ज्यादा नुकसान देता है देश को। आज अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसकी चर्चा करनी चाहिए, जैसे हम आए हैं आपके सामने चर्चा कर रहे हैं आपके साथ, तो अच्छी बात है, चर्चा तो होनी चाहिए सार्थक। पहली बात तो हमारे क्वेश्चन तो सुन लीजिए, मेरा कहना है कि जब आप 3 लाख करोड़ रुपए रिजर्व फंड में से मांग रहे हैं आरबीआई का, नहीं तो वही गलत है, आपका कहना ही गलत है, इसलिए पहले स्पष्ट कर दूं ना, आपका कहना ही गलत है भाई साहब। मुझे लगता है आपने शायद खबर नहीं पढ़ी है, ट्विटर पे स्पष्टीकरण कर दिया गया है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स श्री सुभाष चंद्र गर्ग द्वारा। बहुत ही दो टूक शब्दों में स्पष्टीकरण हुआ है कि ना सरकार कोई पैसा चाह रही है रिजर्व बैंक से, ना कोई उनके रिजर्व बैंक फंड से कोई सरकार ने पैसा मांगा है। एक इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क होता है रिजर्व बैंक का, टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप चाहें तो मैं 1 घंटा उसके ऊपर पूरा उद्बोधन आपको दे सकता हूं अगर आप आर्थिक विषयों में जानकारी रखते हैं और रुचि रखते हैं तो। उसके ऊपर चर्चा करने का पूरा अधिकार बोर्ड को है, चर्चा करेगी, लेकिन उसमें से कोई 1 रुपया सरकार नहीं मांग रही है, यह स्पष्टीकरण 2 टूक शब्दों में सरकार की तरफ से आ चुका है, पहली बात। दूसरी बात, रिजर्व बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, लेकिन साथ ही साथ उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियों के ऊपर ये बोर्ड अगर डिस्कस करता है तो मैं समझता हूं उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, किसी को उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये देश हित की चर्चाएं एक इंडिपेंडेंट बोर्ड कर रहा है, इसमें कोई सरकार कर रही है ऐसा नहीं है, बोर्ड अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। दूसरा मेरा क्वेश्चन रेलवे से जुड़ा है, रेल मंत्री आज ने पहले जो गवर्नमेंट थी या जो भी गवर्नमेंट रही है उसने जो आम आदमी को एक छोटी सी सुविधा थी कि उसके पास वेटिंग का टिकट होता था और वो रेलवे रिजर्वेशन कार्ड भाई साहब मैंने कोई बैन नहीं लगाया, वो देश का कानून पहले भी था आज भी था, लेकिन कांग्रेस की सरकारों में कानून का पालन कभी होता नहीं था, मोदी जी की सरकार में कानून का पालन होता है। और मैं समझता हूँ जो लोग
पहले से बुकिंग करते हैं, जिनको रिजर्व टिकट मिलता है और रिजर्वेशन के तहत वो जा रहे हैं, उनकी सुविधा देना रेलवे का कर्तव्य है। अगर आपका रिजर्व टिकट हो और आप बैठे हो या लेटे हो और आपकी सीट पे आके कोई बैठ जाता है तो आपको कैसा लगता है भाई साहब? क्योंकि इससे हम इतना पैसा जो अभी मैंने आपको बताया, कांग्रेस ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया इतने वर्ष, और जो विरासत में रेलवे की हालत मिली हमें टूटी, जो विरासत में हजारों किलोमीटर रेल लाइनें खराब मिली जिसको रिपेयर कांग्रेस ने नहीं किया, जिस प्रकार से देश भर में डिमांड अधिक और पटड़िया कम, आपको जानकारी हो के हैरानी होगी कि जो मुख्य रूट है रेलवे के, मुंबई से चेन्नई तो मुख्य रूट है, मुंबई से बैंगलोर, मुंबई से हैदराबाद, और इंदौर से अगर किसी को बैंगलोर चेन्नई जाना है तो उसको उसी रास्ते से जाना होगा। आजादी के 65 साल बाद कांग्रेस में जिसमें अधिकांश वर्ष राज किया, वो रूट पे भी सिंगल लाइन सेक्शन थे, मतलब एक गाड़ी एक समय पे ऊपर भी जाती है वापस भी आती है। ऐसी झरझर हालत में रेलवे छोड़ने की पूर्णतः जिम्मेदारी कांग्रेस की है। मोदी जी ने लगभग 2.5 गुना कैपेक्स किया है 5 वर्ष में, 2.5 गुना देश भर का, मध्य प्रदेश में तो और ज्यादा अधिक किया गया, जिससे ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी, बढ़ेंगी और आगे चल के और ज्यादा गाड़ियां लग सकेंगी। तो जब हम व्यवस्था सुधारते हैं तभी चल के आगे वाली पीढ़ियों को, आगे हमारे बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। यही काम कांग्रेस ने अगर पहले किया होता तो आज ये हालत नहीं होती, और लगभग हर ट्रेन, हर पटड़ी 150%, 180%, 140% कैपेसिटी पे चल रही है। उसके ऊपर अगर गाड़ी और चला सकते हैं तो आप जरूर मुझे वो मूल मंत्र देना, मैं और गाड़ियां चलाने के लिए तत्पर। राजा भैया, और कोई है किसको? हाँ, लालू यादव का भी सुन लीजिए, सिंस आप थोड़ी बहुत जानकारियां रेलवे में रखना चाहते हैं अच्छा रहेगा। हम भी सब तब बड़े आश्चर्यजनक थे और बड़ा प्रसन्न थे कि रेलवे ने अच्छा काम किया, लेकिन आज उसका भुगतान ये देश कर रहा है, क्योंकि जब सामने आया असली बात कि उन्होंने किस प्रकार से जो रेलगाड़ी 20 टन माल उठाने के लिए सक्षम थी उसको ओवरलोड कर करके एक आर्टिफिशियल छोटे समय के लिए माल ढो दिया उस रेल पटड़ी के ऊपर, उस पटड़ी को डैमेज कर दिया, अनसेफ बना दिया, पता नहीं कितने लोगों की मौत करी उसके वजह से, एक छोटे कार्यकाल में पता नहीं किस प्रलोभन में उन्होंने रेल वैगन्स को ओवरलोड कर करके रेलवे इसमें चला के पूरे रेलवे की व्यवस्था को नुकसान पहुंचाया, और उसका भुगतान सालों साल तक इस देश ने और रेलवे ने किया है। पहली बात तो सब जुडिस मैटर है, मुझे उसकी पूरी जानकारी नहीं है, मैं तो फ्लाइट से अभी यहाँ पे इंदौर आया हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है एकदम बेबुनियाद है। आज सीबीआई जिस प्रकार से काम कर रही थी उस पर सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े, और ये स्पष्ट है कि सीबीआई के कुछ अधिकारी गलत बयानों के आधार पे एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे, जिसपे सरकार ने सख्त कार्रवाई की है, और शायद उसके कवर अप के नाम पे वो इस प्रकार के झूठे आरोप लगा रहे हो, ये कोर्ट देखेगी और इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसकी जानकारी मेरे पास आज को कोई सवाल ही नहीं है। इतने प्रकार के झूठे आरोप ये अफसरों ने एक दूसरे पे लगाए हैं,
और गलत गलत बयान रखे हैं कि स्पष्ट है कि वो सीबीआई में आज के दिन तकलीफ थी, जिसके कारण सरकार को कठोर कदम उठाने पड़े। जरूर क्योंकि कांग्रेस को स्पष्ट है कि वो तो कभी सरकार में आने नहीं वाले हैं, तो उनको तो विपक्ष में ही रहना है, तो उनको तो कोई चिंता नहीं है कि देश में भ्रष्टाचार रुकना चाहिए, उनको कोई चिंता नहीं है कि चोर डकैतों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कोई चिंता नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म होना है इस देश में। उनके तो प्रधानमंत्री तक कहते थे कि हम तो 100 रुपए बेचते हैं और सिर्फ 15 रुपए जनता को पहुंचते हैं, बाकी तो हम बीच में ले लेते हैं, जो भी करना है उसको कर लेते हैं। उनके तो खुद के नेता आज बेल पे हैं कोर्ट के, क्योंकि उन्होंने जो संपत्ति एक न्यूज़पेपर को दी गई थी उसको उठा के अपने नाम पे कर लिया। तो ऐसी पार्टी को तो कुछ चाहते ही है कि कोई कार्रवाई ना हो भ्रष्टाचार के ऊपर, और स्पष्टीकरण कर दिया अपनी नियत का और अपने नीति का, दोनों स्पष्टीकरण आज अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये हो जाता है। अभी आपके पूर्व एक मित्र ने जो प्रश्न पूछा, अगर भाजपा इस प्रकार का प्रभाव कर रही होती तो ऐसा तो संभव ही नहीं था कि अनाप शनाप आरोप हमारे ऊपर लगाए जाते। तो मैं समझता हूँ भाजपा ने एक पूरी स्वेच्छता दी, स्वेच्छता में दो अफसरों या दो गुटों के बीच में कोई तकलीफ हुई, जिसके ऊपर सरकार ने फिर सीवीसी के ऊपर छोड़ दिया कि वो उसका पूरी जानकारी लेके जो सही है वो सीबीआई में होना चाहिए, और उसको अब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में और सुप्रीम कोर्ट के निर्धारित जज की देखरेख में पूरी कार्रवाई। ऐसा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान स्थानीय नेता है, स्थानीय नेता जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जनता के दिलों में है, सेवा भाव से वर्षों वर्षों से यहां पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है वो तो आज किधर पिक्चर में है ही नहीं, सभी नेता वो इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर से दिल्ली से लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके तो जो अब तो हमें तो मालूम ही नहीं कि कौन है उनका उम्मीदवार शिवराज जी के सामने, तो महाराज तो किसी के लिए भी हो सकते हैं, इट कुड बी फॉर कमलनाथ, इट कुड बी फॉर सिंधिया, इट कुड बी फॉर है कितने नेता हैं, दिग्विजय सिंह भी महाराज हैं, या तो महाराजों की पूरी टोली है। तो उन सब से मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जनता का गरीबों का नेता शिवराज सिंह चौहान प्रदेश का लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री बने, ये भाजपा की अपील है। वो तो उनको पूछे, उसका जवाब मैं कैसे दूं? अगर उनके पास इतनी समझ होती तो कोई स्पष्ट आरोप लगाते, कोई विषय पे कुछ खुलासा करते, उनके पास क्या है। ऐसे तो हम बैठे एक दूसरे, मैं ऐसे ही किसी के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए आरोप लगा दूं तो उसका तो कोई तत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर अगर मैं यहाँ पे आरोप लगा दूं कि फलाने आदमी ने पेड न्यूज छापी है तो इसका कोई तत्व है, कोई स्वरूप है, कोई सबूत है, कुछ नहीं है। तो ऐसे आरोप लगाने वाले कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, उससे हम विफल नहीं है। ऐसा है, मैं पीछे एक न्यूज़पेपर के कार्यक्रम में गया था और वहां पे मुझे पूछा गया कि आप स्वच्छता की बात करते हो पर देखो एक क्लिपिंग दिखाते हैं यहां स्वच्छता नहीं है। तो मैंने वहां बैठे बैठे एक कागज पढ़ा था, मैंने ऐसे करके फेंक दिया, मैंने कहा आप कैमरा उधर पैन करो, तो देखो आपने मुझे यहां आमंत्रण किया है,
आपने प्रांगण को साफ सुथरा रखा, अच्छा बनाया, लेकिन यहाँ तो स्वच्छता नहीं है, एक कागज पड़ा है यहाँ पे, कचरा जमीन पे पड़ा है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि अगर और ऐसा तो नहीं है कि 100% लोग कोई एक पार्टी के पीछे पूरे देश में 100% तो होते नहीं है, तो कुछ लोगों को अगर कोई कठिनाई है या विपक्ष के कुछ लोग अगर कैमरा के सामने आके बुराई करते हैं तो स्वाभाविक है। तो मैं समझता हूं सबसे लोकप्रिय, अधिकांश लोकप्रिय शिवराज जी हैं, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, भारी बहुमत से जीतेंगे और देश और प्रदेश की सेवा करेंगे। अरे भाई वो उठा लो, नहीं तो बोलेंगे मैंने स्वच्छता का उल्लंघन किया और इंदौर नंबर वन है स्वच्छता में। कोर्ट में तो मामला वैसे ही वो चल रहा है, और जहां तक इनका सवाल है, मुझे लगता है कि वो जितना ज्यादा बोलते हैं उतना ज्यादा बीजेपी की वोट बढ़ती है, तो हमें तो कोई उसके ऊपर आपत्ति नहीं है, सूट करता है, कोई दिक्कत यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसकी चर्चा हो रही है, कैंपेन में तो सभी आते हैं, कैंपेन में तो लोग आएंगे ही। महिला है, और कुछ पूछना है? चलो और भी पूछते थे। सवाल क्या है पूछो ना भाई। नहीं तो आप क्या कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बन के आए क्या? नहीं तो पूछ क्या रहे हैं, वो पूरी कहानी नहीं बताओ, पूछिए सवाल पूछिए। हमने कुछ से किया, जो सामने आया हमने उसको जनता के समक्ष रखा है, हमने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, हमारे तो मैनिफेस्टो में कुछ लिखा नहीं है कि आरएसएस की शाखा में गवर्नमेंट का कोई अधिकारी जा नहीं पाएगा, मैंने भी अभी स्पष्ट कहा। स्वाभाविक है, और मैंने ये अनाउंस भी किया था कि जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस गेन होगा तो देश के सभी प्रमुख स्टेशनों पे, और आपने अगर सुना मेरे ओपनिंग रिमार्क्स में भी मैंने कहा हबीबगंज देश का पहला है, आखिरी नहीं है, और ये मिसाल बनेगा बाकियों के लिए, टेम्पलेट बनेगा कैसे कैसे हमको रेलवे स्टेशन को अपग्रेड और करना है। वैसे बाय द वे आज 711 स्टेशन में देश में मुफ्त में वाईफाई मिलता है, 711 स्टेशनों पे, जिसमें आप जाओ तो सबसे फास्टेस्ट स्पीड का वाईफाई आज भारतीय रेल मुफ्त में अपने यात्रियों को, और अगर आसपास के लोग भी आए उनको भी देती है, और हमारी कोशिश है कि 6000 स्टेशन पे देश में मुफ्त में वाईफाई मिले, और वो वाईफाई पूरे देश की जनता को विश्व के साथ जोड़ने का काम करे, तो गांव का भी गरीब अपने नजदीक के रेलवे स्टेशन में जाके अपने फोन पे पूरी इंटरनेट के साथ दुनिया के साथ जुड़ जाए। दिवाली मनाई, आपने स्पेशल ट्रेन चलवाई है, जहां तक वंशवाद की बात है,
भारतीय जनता पार्टी के इतने सारे अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बने, अब मोदी जी बने, ये सब कर्मठ कार्यकर्ता अपने आप एक गरीब परिवार से निकल के देश की सेवा में लगे। हमारे नेता कोई अधिकार नहीं रखते कि क्योंकि वो कोई परिवार में पैदा हुए तो बस उसी परिवार का ही वंशवाद चलेगा। ये बात तो पूरी देश और दुनिया जानती है, स्पष्ट है कि कांग्रेस में सिर्फ एक ही परिवार के लोग ही नेता बन सकते हैं। इस विषय में वंशवाद की बात रखी गई है और मुझे लगता है इसमें कोई डिबेट नहीं है। यहाँ किसी का अधिकार नहीं है कि शिवराज जी के बाद कोई उनका लड़का, उसके बाद उनका ग्रैंडसन, उसके बाद उनकी चौथी पीढ़ी कोई मुख्यमंत्री बनेगी। हमारे सब कार्यकर्ताओं को मौका मिल सकता है कोई भी पद पाने का। और रही बात राम मंदिर की, स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हमने लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारा सब पूरी पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बने, भगवान राम के जन्मस्थली पर बने। ये देश की अस्मिता का सवाल है, करोड़ों करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में विषय चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के लिए हम प्रतीक्षा करें। मेरी मुलाकात खुले में भी होती है, बंद में भी होती है, पर अभी हर मुलाकात, अभी तो मैं संबित पात्रा के साथ भी बंद कमरे में बैठा था, तो अभी आप उसका कुछ गलत वो निकाल लोगे तो। 25 नवंबर को जो बैठक है उसको लेकर हुई है तो आपने ये, किसने आपको मतलब बंद कमरे में आपका कैमरा भी था? ऐसा है नहीं, नहीं मानना क्या है उसमें, हम कोई छुपा छुपी कर भाई, हमारे पार्टी के एलाई है, हमारे पार्टनर है, सरकार में हमारे साथ केंद्र में भी है, राज्य में भी है। आनंद किते जी यूनियन मिनिस्टर है, मेरे साथ सहयोगी है महाराष्ट्र में, उनकी सरकार हमारी सरकार साथ में चल रही है। परसों शनिवार को माननीय बाला साहेब ठाकरे जी का स्मृति दिन था, उसमें मैं श्रद्धांजलि देने के लिए उनके मेमोरियल पे गया था, लेकिन चूंकि मेरे दिल्ली से आने में विलंब हुआ था, मैं दोपहर को पहुंच पाया था मुंबई, तो स्मृति स्थल पे उद्धव जी निकल गए थे, अपने घर चले गए थे, तो मैं कल उनके घर जाके भाभी को मिला, उनको मिला, बहुत बढ़िया पोहा खाया, बटाटा वड़ा खाया, दुनिया भर की चर्चाएं करी। और मैं समझता हूँ मित्रों के बीच में हमारा पारिवारिक संबंध उनके साथ शायद कम से कम नहीं तो 1984 से है, जब पहली बार माननीय बाला साहेब ठाकरे जी मेरे घर पे सायन में मुंबई में अटल जी को मिलने आए थे। तो मुझे लगता है मुझे इतना तो अधिकार है कि 34 वर्ष पुराना पारिवारिक संबंध के रहते मैं बाला साहेब जी के घर पे जाके उनसे उनके लड़के से मिल सकते। महिला जी पूछे राफेल मुद्दे पे, जब कांग्रेस और विपक्ष कंटिन्यू मांग कर रहे हैं जेपीसी के गठन की, तो आप लोग जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रहे? दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में मुस्लिम में से सिर्फ एक ही सीट मिली हुई है, प्रत्याशी एक ही सीट मतलब मुस्लिम को लौट गई है, तो विशेष समुदाय और अल्पसंख्यकों की ऐसी अनदेखी क्यों? पहली बात तो कोई, मैंने पहले भी बताया, कोई तत्व नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई आरोप स्पष्ट नहीं, तो जेपीसी किस बात की करे? कोई अगर हमने कुछ गलत काम किया हो जिसका कुछ खुलासा कर सके तो जेपीसी की मांग पे चर्चा भी हो जाए। वैसे तो मेरे हिसाब से अपने खुद के कारनामे छुपाने के लिए कांग्रेस आज एक भोपू की तरह वो बात रोज कर रही है, जनता अच्छी तरह समझती है, उनके खुद के कारनामे जनता के सामने है, और इस प्रकार के झूठे आरोपों के ऊपर कोई सरकार सेनाओं को या भारत के सुरक्षा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करेगी, पहली बात। और जहां तक सीटों का सवाल है, मैं समझता हूं वो लोकल एरिया में सर्वे होता है, कार्यकर्ताओं से जानकारियां ली जाती है, लोकल परिस्थितियों को देखते हुए जो चुनाव के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होता है उसको सीट दी जाती है। हम कोई कोटा नहीं बांधते, हम कोई कोटा नहीं करते हैं कि किसी को
दिखावेबाजी के लिए किसी को सीट देना या नहीं देना। जो अच्छे कैंडिडेट जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कैंडिडेट बनते हैं, और ज्यादा बड़े रूप में मैं आमंत्रण दूंगा सब हमारे साथ जुड़े। हम समाज के हर वर्ग को आमंत्रण देते हैं कि हमारे साथ जुड़े, कंधे से कंधा मिला के देश के विकास और उन्नति के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करे, समर्थन दे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उच्च से उच्च स्तर के नेता हर समुदाय से, हर धर्म से, हर वर्ग से समाज के भारतीय जनता पार्टी में हैं और आगे चल के भी और बड़े बड़े पदों पे आएंगे। अरे वाह, आपने तो बुलेट स्पीड पे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लगा दिया। आज तक एकदम बकायदा, लेकिन टेक्निकल रियलिटीज भी कुछ होती हैं। आज तक विश्व में 5-6 साल से कम में किधर भी बुलेट ट्रेन नहीं लगी होगी, जहां तक मेरा अंदाजा है। पहली बार नई टेक्नोलॉजी भारत में आ रही है, कई विपक्षी दल तो उसका भी ऑपोजिशन कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी, हमारे बच्चों को अति आधुनिक सुविधाएं मिले, और फिर वो चाहते हैं जैसे भाई साहब ने कहा कि व्यवस्था जर्जर ही रहे, पुरानी रहे। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार चाहती है कि विश्व में सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी भारत आए और देश की जनता को उसका स्वाद मिले। बुलेट ट्रेन अनुमानित उसका समय 2023 तक है, पहली बुलेट ट्रेन शुरू होने का। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक सेक्शन 15 अगस्त 2022 तक, जब भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होंगे, तब तक खत्म करने की हम एक सेक्शन की कोशिश कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.